भाई बुढ़ऊ हमरे बिटिया खिया घुघरी लेके गए, हम कहे लेवाए यारा, अभी तक आए नहीं भगवान, सूरज डूबे वाला है, अंधेर होता है, थोड़ी देर और इंतजार कर। आई गया मोहिनी के बाबू, आई गए रे काबा, आई गए मोहिनी के बाबू कहा भा, बिटिया अपन ठीक तो भाई ना? बिटिया ठीक काबा, दहेज के लालच में सम दिन बिटिया का सतावतिया, या भगवान बेरहमी के साथ मारतिया है, दहेज उनका खाती वादा के है यही, अपन घर बेच जावा 10,000 रुपया पे दे भगवान। हे भगवान सोच माँ अपन दम तोड़ दी, घर बेच जाए, दहेज बिटिया के दे जाएगा, ना यार भय ना पार भय, बीच मजदार माए के बड़ों की बात कभी बड़ी नहीं होती, किसी गरीब की मैयत पड़ी नहीं होती, पहले कलाम में लिखा है लाही लाही रसूल्ला, फिर उसके आगे बढ़कर मोहम्मद सा रसूल्ला, इरफान के जो दिल के नगीने में मिले, नगीने में मिलेगी, इरफान के जो दिल के नगीने में मिले, नगीने में मिलेगी, हर चीज करीने की करीने में मिलेगी, दौलत है अनमोल दफीने में मिलेगी, न मक्के में मिलेगी ना मदीने में मिलेगी, न मक्के में मिलेगी ना मदीने में मिलेगी, और तस्वीरे मोहम्मद मेरे सीने में मिले,
चाहतुआ हमार मदद कर दे। अरे दादा ये क्या हो गया? अपने काके कैलाशिया गंगा घाट तक पहुंचाए दे बेटवा। चलो दादा काके का अंतिम संस्कार किया जाए। करके छाती बज्री की फेंकू तुम्हें मझधार में, क्या यही इंसाफ है भगवान तेरे दरबार। गंगा माई के गोद में सो जा रे हमका पापी का छोड़ के चल। अब हमारे बड़े सर जी का आने का समय हो गया है, मैं अपनी ड्यूटी पर तैनात हूँ। चौकीदार जी सर, ये बताओ हमारे आने से पहले और हमारे आने तक जी सर गांव में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी तो नहीं है? नहीं सर, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। हल्के का सब समाचार ठीक है सर। किसी प्रकार का धंधा तो नहीं कर रहा है? नहीं सर। जैसे अफीम चरस गांजा शराब, अगर ऐसा धंधा कोई करता है, अगर जानकारी में है तो उसे बताओ हमें। सर अभी तक तो कोई जानकारी नहीं मिली है, जानकारी मिलेगी सर तो मैं तत्काल आपको बताऊंगा। ठीक है चौकीदार जी सर, आज एक लड़का राजू जी सर जिसने जिसको इंस्पेक्टर की ड्यूटी ज्वाइन करनी है जी सर, वो आ जाए फिर हम आगे की बातें करेंगे जी सर। इंस्पेक्टर राजू। यस सर। टाइम क्या हो रहा है? सर इस समय 10:30 बज रहे हैं। ड्यूटी पर कितने बजे पहुंचना चाहिए? सर अभी अभी नई ज्वाइंट हुई है मेरी ड्यूटी में, इसलिए आज पहली बार है, थोड़ा सा लेट हो गया, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे लिए पहली वार्निंग पहली हिदायत, आज तुम्हारा पहला दिन है ड्यूटी का, आइंदा के लिए ध्यान रखोगे? यस सर। आज मैं तुम्हें कुछ बताना और कुछ समझाना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हैं सर? इस जिला महाराष्ट्र में दो डाकू जिनका आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, एक का नाम सुल्तान सिंह और दूसरे का नाम कदम सिंह, और उनके पीछे तमाम उनके साथी हैं, लेकिन दो मशहूर डाकू सुल्तान सिंह पर हमारी महाराष्ट्र सरकार ने पूरे 50,000 रुपए का इनाम रखा है, और उसके सुल्तान सिंह के दाहिने अंग कदम सिंह पर पूरे 40,000 रुपए। अगर तुम इन दोनों डाकुओं को कैद करके हमारी जेल में लाकर बंद करोगे तो उनके सर का इनाम तुम्हें मिलेगा। ध्यान से मेरी बात सुनो।
कहिए सर, क्या कहना चाहते हैं आप? तो सुल्तान सिंह इंस्पेक्टर सर, सुल्तान सिंह मौजूद है इसी जिले दर। सुल्तान सिंह मौजूद है अरे इसी जिले दरमियान, और फिर भी लगता है नहीं उनका पता। तुम्हारी ड्यूटी में ये शामिल हो रहा है, उनका पता ठिकान तुम्हें है, अब सबक सिखाना और मिल जाए फंदे में जब कैद कर है। यस सर। ध्यान से बात राजू हमारी सुनो, ध्यान से बात। ऐ हमारी सुनो, जल्द से जल्द उनको करो कैद तुम, इसलिए नाम बदनाम है हो रहा, जल्द से जल्द उनको करो कैद। तो आप चिंता न करिए सर जी मेरे, आप चिंता करिए सर जी मेरे, मैं दिलो जा से कानून की रक्षा करूं, आज से ही निकलता और उन्हें कैद कर ला के करूं मैं शामिल। यहां से सुनो, सर मुझे कुछ दिनों की मोहलत दी जाए, मैं वादा करता हूं कि आपके समक्ष उन दोनों डाकुओं को जल्द से जल्द पेश कर दूंगा। इंस्पेक्टर राजू। यस सर। मेरा हुक्म ध्यान पूर्वक सुनाना, सुल्तान सिंह एंड कदम सिंह को जिस दिन पकड़ कर लाओगे उनके मस्तक पर लगा हुआ इनाम तुम्हें मिलेगा, और हां तुम्हें जितनी पुलिस फोर्स चाहिए वो मैं दूंगा तुम्हें। यस सर। जाओ अपनी तैयारी बनाओ, जाओ फिर आप। ड्राइवर छुट्टी पर गया था, वो अपने घर से वापस आया है कि नहीं? आ गया है, ठीक है। तुम इंस्पेक्टर के साथ जाओ, गाड़ी निकलवाओ, उसकी साफ सफाई करवाओ, हाँ डीजल पानी का इंतजाम करो, और इनके साथ तुम भी जाओगे। जाओ। ठीक है सर, हम अभी ही रवाना होते हैं। मुझे यकीनन विश्वास है कि इस लड़के में वो काबिलियत है, वो दिन दूर नहीं जब दोनों डाकू हमारी जेल में बंद नजर आएंगे। ऐसे ऐसे लड़के अगर कानून की वर्दी पहनकर इस भारत माँ की रक्षा करने के लिए बीड़ा उठाएंगे
तो कल्याण हो जाएगा देश। अरे भारत माँ के बेटा भाई के पहरी नहीं लूटई पावई लजिया, हे नहीं लूटई पावई लजिया, अब कौनो बाहरी नहीं। भाई के पहरी नहीं लूटई पावई लजिया, यही कौनो बहरी नहीं। सरदार जय मां भवानी। जय मां भवानी। हरिया कहिए सरदार जी। तुझे तो मालूम होगा कि हमारा नाम क्या है और हमारा काम क्या है। क्या नहीं सरदार जी? लेकिन आई हुई जनता को मालूम नहीं होगा। जानते हो इस महाराष्ट्र की पुलिस फोर्स, यहाँ की सरकार ने हमको पकड़ने के लिए कितना इनाम रखा है रे? सरदार जी पूरे 50,000 का इनाम रखा है। ओ 50,000 से पिछले जब यहां से 50-50 को दूर बच्चा रोता है तो मां कहती है बेटा सो जा, नहीं तो सुल्तान सिंह आ जाएगा। हरिया सरकार जी, मेरा अभी तक जिगरी दोस्त कदम सिंह नहीं आया। हम थोड़ी देर उसका यहां इंतजार करते हैं और उसके बाद आगे का प्लान बनाते हैं। क्यों नहीं सरकार जी? आइए चलो हम चलते हैं उस पहाड़ी पर। ठीक है। सुल्तान सिंह मेरे यार, जय मां भवानी की। जय मां भवानी की। कौन सी ऐसी बात पर गई जो कि आज कदम सिंह को याद किया गया इस ग्रुप में? कदम सिंह मेरे यार, बोलो मैंने तुझे क्यों याद किया, ये सब जानना चाहते हो? पहले मेरी बात को सुनो सुल्तान सिंह, मेरी बात को ध्यान से सुनो। कौन सी बात? बात यह है, आज मैं सुबह उठते हुए इसी चौराहे पर, इसी महाराष्ट्र के चौराहे पर चाय पीने गया था। उसी वक्त मैंने पेपर देखा, पेपर में मोटे हेडिंग में लिखा था, वो भी एसपी और नया इंस्पेक्टर राजू यहाँ पर आया है इसी जिले दरमियान में। पहले मेरी बात कदम सिंह कान खोल कर सुनो। मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूँ, मेरा मकसद क्या है, सुन मेरी बात। और चंबल छोड़े मुझे एक महीना हुआ, पास में रह गई ना है कोई रकम। आज सुल्तान बैठे गार्गिन नहीं लूट कर लाए गाये कहीं से रकम। कदम से
आज तेरी बातों से सुनकर, तेरी बातों को सुनकर मुझे हंसी आ रही है। एक महीने हो गया, अभी कहीं से रकम नहीं है ना? कोई लोकड़ा नहीं आया रे। अरे हमारी बतिया को ध्यान से सुनना, अपनी तिजोरी खाली हो गई है रे। ओ ऐसा, आज सुल्तान सिंह कभी हरगी नहीं बैठ सकता, आज कहीं ना कहीं जरूर डाका डालेगा। अरे ना आए, पहले हमारी बात को ध्यान से सुनो। कौन सी बात? राजू इंस्पेक्टर थाने में आया हुआ, राजू इंस्पेक्टर। थाने में आया हुआ, दोनों के नाम की खा लिया है कसम, सेल में डालेगा तो इस घड़ी, खा लिया है दोनों के नाम की कसम। और उसकी औकात क्या? कैसी मुझको उसकी औकात क्या? और कैसी मुझको करे उसका घर द्वार वीरान कर दूंगा मैं। नाम सुल्तान सिंह जानता हर बसर, उसका घर द्वार वीरान कर दूंगा मैं। उसकी माँ ने भी इतना दूध नहीं पिलाया है। सुल्तान से आप कदम सिंह के हाथों में हथकड़ी लगा सके, यह तो मुझे यकीन है, लेकिन मेरी बातों को ध्यान से सुनो। कौन सी बात? अभी आपने क्या कह रहे थे कि यानी गुफा में नहीं, अपने पास कोई रोकड़ा नहीं है, लेकिन हाय रोकड़ा मैं बता रहा हूँ। तेरे अरे अपने आंखों से देख कर आ रहा हूँ। क्या देखा? सुल्तान सिंह मेरे यार, मेरी बात को ध्यान से सुन। बोल। ये एक बुढ़ा रकम लेके जाता चला, एक बुढ़ा रकम लेके जाता चला, अपने नजरों से मैं देख कर आ रहा। दीजिए हुक्म मुझको, अरे तुम इस खड़ी छीन लाओ रकम जाकर मैं। क्या कहा तूने? एक बूढ़ा रकम लेके जा रहा है। हाँ। और तूने अपनी आंखों से देखा क्या? और तू चाहता है कि मैं अकेला छीने जाऊं? नहीं, हम सभी चलेंगे। वो बूढ़ा किसी कीमत में अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचना चाहिए। चलो सलाम देने का पीछा करो। हाँ मेरे साथ आओ। भगवान, मोहिनी के माई दम तोड़ देश, ससुरे माँ मोहिनी सताई जाती है, 10,000 रुपया पर अपन झोपड़ी बेच दें, ये पैसा जाए दया नहीं हमार बिटिया सताई जाए। अरे भगवान, जो है ऐसा मान, बूढ़े तेरे पास में जो है ऐसा मान, और दे दे फौरन तू मुझे घर से प्यारी जान।
रहू। तुम्हारे पास जो भी रोकड़ा है हमारे साथियों के हवाले कर दे, नहीं तेरी खोपड़ी आसमान में ना। मुझे मत मारो, मेरी गरीबी पर तरस खाओ। हाय पैसा साहेब, 10,000 रुपया साहेब, घर बेच के बिटिया के दे जाते। ससुर अपनी बिटिया का दहेज देने जा रहा है और हम लोग इस चंबल में एक एक पैसे के लिए मोहताज। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मेरी हालत में तरस खाओ, खुशी से चीर दो दामन, कलेजा चाक कर डालो, जला दो जिंदा मुझे बेबाक कर दो, धड़ के सौ टुकड़े जिंदा धड़ा में गड़वा दो, पिला दो जहर का प्याला, मुझे फांसी पर लटका दो, लेकिन ये रुपया मत छीनो, मैं आपके पाँव। कदम सिंह मेरे यार, कहो मेरे यार सुल्तान से, इस बूढ़े के पास जितना भी रोकड़ा हो छीन लो, जो क्या मेरा सख्त निर्देश है। आए बुढ़े रोकड़ा मेरे हाथ दे दे, ताई हम जरा दूजे किस्म के है रे। नहीं देगा, हराम जाते, तुम अच्छे ढंग से जानता है कि मैं दूजे किस्म का इंसान हूं, और उसके बाद ये नहीं जानता कि मैं बहुत कमीना हूँ, हराम जाते बहुत कमीना हूँ। बुढ़ाऊ काहे को मार खाता है रे, रोकड़ा दे दे। छेलो पैसे, कदम से सुल्तान से, मैंने तुझे पैसा छीनने को बोला, यकीन है इस बूढ़े की जान लेने को। सुल्तान से तुझे मालूम नहीं, अगर इस बूढ़े की मैं जान ना लेता तो हराम जाता, जाकर हमारी रिपोर्ट थाने में लिखा। कदम से एक कौन सी नई बात है, इस महाराष्ट्र की पुलिस फोर्स तुझे नहीं जानती या मुझे नहीं जानती। ये तो सही है, सरकार ने हमको पकड़ने के लिए पूरे 50,000 रुपए का इनाम रखा है और तुझे 40,000, ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन आज तूने सुल्तान सिंह के शान और मान के खिलाफ काम किया है। नारे नारे। ये कदम सिंह जो चीज करता है अपने शान और मान के लिए करता है। सुल्तान सिंह, मैंने जो कुछ किया तुम्हारे शान और मान सम्मान के लिए किया, नहीं अपने ही लिए किया। तूने मेरे मान सम्मान के खिलाफ काम किया है। सुल्तान सिंह, आज तक किसी की जान नहीं लिया है। मैंने पैसा छीनने को बोला लेकिन तूने बूढ़े की जान ले ली। आज के बाद लिया किया, आज के बाद सुन, अगर दोबारा इसी गुस्ताखी करेगा तो सुल्तान सिंह नाम मेरा है, काट कर फेंक दूंगा, याद रखना। जो किया सुल्तान सिंह ठीक है, जो होना सा सो हो गया, अब क्या होगा वो ही देखा जाएगा।
दोबारा ऐसी गुस्ताखी करने की कोशिश मत करना कदम सिंह। चल मेरे साथ। चलो याद रखना सुल्तान सिंह नाम मेरा है। ठीक है सुल्तान सिंह, जो वक्त आएगा तो उसे इंतजार करना।